بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. عزيز طلبه الكرام وناظرين حضرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. आज के सबक में इंशाल्लाह हम इस आयत को जो तिलावत की गई है उसके तर्जमे को और उसकी लुगतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस आयत को पढ़ने और समझने से पहले इसके पस मंज़र को हम जान लेते हैं, क्योंकि पस मंज़र जानने के बाद जिस पस मंज़र में ये आयत नाजिल हुई है अगर हम उसको समझ लेंगे तो इसका तर्जमा समझना और इसका मतलब समझना भी हमारे लिए आसान होगा. इस आयत का पस मंज़र ये है के मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के दो कबीले आबाद थे, एक बनू कुरैज़ा और एक बनू नज़ीर. दूसरी तरफ बुत परस्तों के भी दो कबीले थे, औस और खजरज. कुरैज़ा की दोस्ती औस कबीले से थी और बनू नज़ीर की खजरज से. जब औस और खजरज में लड़ाई होती तो कुरैज़ा औस का साथ देते और बनू नज़ीर खजरज का. नतीजा ये कि यहूदियों के दोनों कबीले बिलवास्ता एक दूसरे के मद्द मुकाबिल आ जाते और इन लड़ाइयों में जहां औस और खजरज के आदमी मारे जाते वहां कुरैज़ा और बनू नज़ीर के यहूदी भी कत्ल होते या अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो जाते. इस तरह अगरचे बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर दोनों कबीले यहूदी थे मगर वो एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरे के कत्ल और घर से बाहर निकालने घर से जिलावतन करने में हिस्सेदार बन जाते थे. हाँ, लेकिन अगर कोई यहूदी दुश्मनों के हाथों कैद हो जाता तो वो सब मिलकर उसका फिदिया अदा करते, उसे छुड़ा लेते और जिसकी वजह ये बयान करते कि हमें तौरात ने हुक्म दिया है कि अगर कोई यहूदी दुश्मन की कैद में चला जाए तो उसे छुड़ाएं. कुरान करीम फरमाता है कि जिस तौरात ने तुमको ये हुक्म दिया उसी ने तुमको ये भी तो हुक्म दिया था कि तुम एक दूसरे का कत्ल न करना, एक दूसरे को घर से ना निकालना. इन अहकाम को तो तुमने छोड़ दिया और सिर्फ फिदिये वाला हुक्म तुमने ले लिया और उसी पर अमल करते हो. इसी मज़मून को अल्लाह तबारक ताला ने इन दो आयतों में बयान किया है. आइए पहले इस आयत के लुगवी तहकीक कर लेते हैं जो नए अल्फाज आए हुए हैं. वईद अखदना मीसा ककुम, ये गुज़श्ता दिन गुज़श्ता सबक में आ चुका है. यहाँ पर नया लफ्ज़ में ला तस्फिकू न दीमा अकुम, अब यहाँ पर सफ़ा का यस्फिकू बाब ज़रबा से है. सफ़ा यस्फिकू सफ़कन फ़ोवसाफिकुन वलमफ़ूल मस्फूकुन, और इसी साफिकुन से एक मुबालगे का सेगा आता है सफ़ाक, जैसे किसी के कत्ल करने के लिए बड़ा सफ़ाक आदमी है, बड़ा ज़ालिम आदमी है. इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ईल के वज़न पर सफ़ीक, ये मस्फूक के माने में इस्तेमाल होता है. अब सफ़कुन की निस्बत अगर माँ की तरफ हो तो इसके माने आते हैं बहाने के, और सफ़कुन की निस्बत अगर कलाम की तरफ हो तो इसके माने आते हैं नशर करना, उस कलाम को फैलाना, और अगर सफ़कुन की निस्बत दम की तरफ होती है तो किसी को कत्ल करने के माने में इस्तेमाल होता है. जैसा कि यहाँ कुरान करीम में आप देख सकते हैं ला तस्फिकून दिमा अकुम की सफ़कुन की निस्बत यहाँ पर दिमाग की तरफ हो रही है. अब दिमाउन ये दम की जमा है. आगे है वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, तुखरिजून बाबे इफाल से है. अखरजा युखरिजु इखराजन निकालना, अनफुस ये नफ्सुन की जमा है. मिन दियारिकुम दियार ये दार की जमा है, माने बड़ा घर. और लुगत अहले लुगत ने कुछ चीज़ों में फ़र्क बयान किए हैं कि घर बैत को भी कहते हैं, घर मंजिल को भी कहते हैं और घर दार को भी कहते हैं. लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि बैत के लिए एक कमरा हो और उसकी एक छत हो वो बैत कहलाता है, और अगर कई कमरे हों और उसके अंदर सहन हो, सहन में छत हो, मतबख हो और आदमी अपने ख़ानदान के साथ बाल भी बच्चों के साथ उसमें रहता हो, ऐसे घर को मंजिल कहा जाता है. और दार उससे बड़ा होता है. दार ऐसे घर को कहते हैं जिसके अंदर कई मंजिलें होती हैं,
कई कमरे होते हैं, एक दो उसमें मंजिल, पहला पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, और ऐसा सहन, इतना बड़ा सहन गार्डन हो जिसके ऊपर छत ना हो, तो ये यानी दार कहते हैं बड़े घर को, जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं। तो घर की अगर एक इमारत बैतुन की अगर एक दीवार टूट जाए तो वो घर घर नहीं रहता, वो चार दीवारी उसके लिए ज़रूरी है, बरखिलाफ दार के दार की कोई इमारत क्या एक दो कमरे भी ख़त्म हो जाएं तो भी दार दार रहता है, दार बड़ा होता है। बहरहाल ये एक फ़र्क था। आगे है, सुम्मा अकररतुम, फिर तुम इकरार करते हो, एतराफ़ करते हो, अकरार बाबे फ़ाल से अकरारा युकरिरु इकरारन, और वह अंतुम तशहदून ये बाबे समिया से है, शहीद यशहदु शहादतन, अब ये गवाही देने के माने में भी इस्तेमाल होता है, ये दलील देने के माने में भी इस्तेमाल होता है, शहीदा ये हाजिर होने के माने में भी इस्तेमाल होता है कि मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, तो ये और इसी तरह ये देखने के माने में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर गवाही के माने में इस्तेमाल हुआ है। आगे की जो आयत है, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक्तुलून अनफुसकुम, ये सब चीज़ें पहले गुजर चुकी हैं। फरीकम मिनकुम, फरीक कहते हैं लोगों की एक बड़ी जमात को, और ये फरीक फिरकतुन से ज़्यादा बड़ा होता, फरीक में जो अफराद होते हैं वो एक फ़िरके से ज़्यादा बड़े होते हैं, इसकी जमा आती है फुरकाऊ और अफरीकतुन, दो जमा आती हैं इसकी, फुरकाऊ और अफरीकतुन। तज़ाफिर में दिया रहीम पहले आ चुका, तज़ाहरून अलैहिम बिलिस्मिल्लाह, तज़ाहरून ये बाबे तफाउल से है, एक दूसरे की मदद करना, मुआवनत करना, जहरुन माने पीठ के आते हैं, और किसी की मदद करना, इसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी की पुश्त पनाही करना। तो ये ततज़ाहरून था, दो ता थी, एक ता बाबे तफाउल की गिर गई है, हजफ कर दी गई है आसानी के लिए, ततज़ाहरून तज़ाहरून हो गया। बिल इस्मी, इसमें इसकी जमा आती है आसाम, और इसके माने आते हैं ऐसे ऐसा ऐसा गुना जिसके करने पर करने वाले को, आसिम को, करने वाले को उखरवी सज़ा मिले, ऐसी चीज़ को कहते हैं इस्मुन, ऐसे गुना को इस्म कहा जाता है जिस पर उखरवी सज़ा मिले। उद्वान बाबे नसरा यंसुरु से है, माने ज़्यादती करना, किसी के खिलाफ जारहियत कर का जारहियत इख्तियार करना, ये बाबे नसरा यंसुरु का मजदर है। इसके माने होते हैं फला उदवाना अलैहि, तो किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। फ़ैनिन, तो कुरान ने भी इसका, कुरान में भी इसका दीगर जगह इस्तेमाल है, फ़ैनिन तहव फला उदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन, फ़ैनिन तहव अगर वो बाज आ जाए फला उदवाना, तो कोई ज़्यादती उन पर नहीं होगी सिवाय जुल्म करने वालों पर। बहरहाल वलउदवान वई यातूकुम, और अगर वो तुम्हारे पास आए, उसारा, उसारा यहाँ पर असीर की जमा है, असीर की जमा उसारा माने कैदी, जंगी कैदी को असीर कहा जाता है, उसी की जमा उसारा है। तो फादूहुम, तो फादूहुम फादा युफादी मुफादातन, ये बाबे फिदा अन मजदर, ये बाबे मुफादत से है, माने फिदिया देना, और किसी चीज़ का फिदिया देना या किसी को फिदिया देकर छुड़ा देना, यहाँ पर फिदिया देकर छुड़ा देने के माने में है। मुहर्रमुन बाबे तफ़ईल से, इसमें मफ़ूल का सेगा है, किसी चीज़ को ममनू करार देना, किसी चीज़ को नाजायज़ करार देना, वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, और मुहर्रमुन यहाँ पर इसमें मफ़ूल है, और इखराजुहुम उसका नाइब फ़ाइल होगा। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी वतकफिरू वतकफुरून बिबाज़, ये आसान है, पहले भी आ चुका है कई मरतबा। फ़मा जज़ाऊ मैं यफ़लू ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन, खिज़्युन के माने आते हैं रुसवाई के, शर्मिंदगी के। इसके बाद लफ्ज़ है हयात, हयात बाबे समिया से है, माने ज़िंदा रहना, नशो नुमा वाला होना, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम देखते हैं कि वो बढ़ रही है तो कहा जा सकता है, या हरकत कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, हुआ हय्युन, अरे ये तो हय्युन, ये तो चीज़ ज़िंदा है। इसी तरह जो असरी तालीम में एक फ़न पढ़ाया जाता है जिसे बायोलॉजी कहते हैं, उसको इल्मुल हयात इसीलिए कहा जाता है कि उसके अंदर नबातात, ज़िंदगी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो इल्मुल हयात भी इसी से कहा जाता है। अब यरुद्दू ना, रद्दा यरुद्दू, लौटना लौटाना, इसमें यहाँ पर
यरद यरदू ये जमा मुजक्कर गायब मजहूल का सेगा है, अशद्दुन इसमें तफजील का सेगा है। और आइए अब देखते हैं इसका तर्जुमा करते हैं। व इज अखदना मीसाककुम, और उस वक्त को याद कीजिए। कल भी बात आई थी कि जब भी इज आता है तो उससे पहले उज़्कुर फेल माना जाता है, और आप याद कीजिए उस वक्त को। अखदना मीसाककुम, जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, ये कल ये बात आ चुकी थी। और इससे पहले वईद अखदना मीसा का बनी इसराइल वाली आयत में उमूमी तौर पर कुछ वादे का तस्करा किया था जो उमूमी थे और हर उम्मत पर वो चीज़ें लागू हैं, और वो चीज़ें थीं और उसके बाद भी ये है, लेकिन यहाँ पर मखसूस एक पस मंज़र में जो बयान किया गया उस ख़ास वादे को याद दिलाया जा रहा है। और उस वक्त को याद कीजिए, अखदना मीसाककुम, कि जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया। अब क्या वादा लिया? तो मीसाककुम का बदल है। मीसाककुम क्या था? तुम्हारा पुख्ता वादा कौन सा था, क्या था? तो अब उसी को बयान किया, ला तस्फिकून दिमाअकुम, कि तुम अपने लोगों को कत्ल नहीं करोगे, तुम अपना खून नहीं बहाओगे, यानी अपने लोगों को कत्ल नहीं करोगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और इसी तरह तुम अपने लोगों को उनके घरों से बाहर नहीं निकालोगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम, अपने आदमियों को, तुम अपनों को, अपने आप को, अब अपने आप को यहाँ पे नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन अनफुसिकुम, अपने लोगों में से उनके घरों में से अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे। सुम अकररतुम, फिर तुमने इसका इकरार भी किया, एतराफ़ भी करते हो कि ये वाकई हमारी चीज़ को तौरात में ये हुक्म हम पर था। वान तुम तशहदून, और तुम खुद इसकी गवाही भी देते हो कि वान तुम तशहदून, और तुम उसकी गवाही भी देते हो कि ये हुक्म, ये मीसाक हमने तौरात के अंदर ही मस्कूर है। फिर अब मौजूदा हालात क्या है, आपका यहूदियों का अमल क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं, तुम अंतुम हाउलाई तक्तुलून अनफुसकुम। अब इस जुमले में एक लफ्ज़ है बीच में हाउलाई, कि हाउलाई असल में मुनादा है, और इससे पहले यह हर्फ निदा महजूफ है। हर्फ निदा कलाम अरब में जुमले के शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है, और आखिर में भी आ जाता है। यहाँ पर यह हर्फ निदा महजूफ है और हा उलाई का लफ्ज़ मुनादा बन रहा है। ए लोगों जो सामने बैठे हैं उनसे कहा जा रहा है, सुम्मा अंतुम तक्तुलून अनफुसकुम। तो तर्जुमे में अरबी में तो निदा मुनादा जुमले के किसी भी जगह पर आ सकता है, लेकिन तब जब तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमे में निदा मुनादा का तर्जुमा पहले होगा और उसके बाद जवाब निदा का तर्जुमा होगा। तो हा उलाई यहाँ पर निदा मुनादा है और हर्फ निदा महजूफ है। तो ए लोगों, फिर तुम तक्तुलून अनफुसकुम, तक्तुलून अपने लोगों को कत्ल कर रहे हो, व तुखरिजून और तुम निकाल रहे हो, फरीकम मिनकुम तुम में से एक बड़ी जमात को, मिन दियारिहिम उनके घरों से, व तुखरिजून और तुम निकाल रहे हो, फरीकम मिनकुम तुम में से एक बड़ी जमात को, मिन दियारिहिम उनके अपने घरों से, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मी वल उदवानी, उनके खिलाफ़ बिल इस्मी वल उदवानी, गुनाह और ज़्यादती के ज़रिए, या गुनाह और ज़्यादती जैसे गुनाह का इर्तिकाब करते हुए, तज़ाहरून मदद करते हो, यानी जिस कबीले से तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारा हलफ लिया हुआ है, जो तुम्हारे हलीफ हैं उनकी तुम मदद करते हो, और अपने ही लोगों को कत्ल करते हो और अपने ही लोगों को घरों से निकालते हो, तज़ाहरूना तुम मदद करते हो, अलैहिम उनके ख़िलाफ़, बिल इस्मी वल उदवानी, इस्म के ज़रिए यानी गुनाह के ज़रिए, वल उदवानी और सरकशी के ज़रिए, और अगर या तुकुम वो तुम्हारे पास आते हैं, वह इन या तुकुम उसारा और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं, तुफादूहुम तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो।
फिदिया देकर तुफादूहुम, तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है यातूकुम, अता याती माने आना आते हैं, ये लाजिम है और इसके बाद जो कुम ज़मीर है ये मफूल भी नहीं बन सकती, तो यहाँ पर ये कुम ज़मीर मफूल फ़ी बनेगी और इसीलिए तर्जुमा करते हैं तुम्हारे पास। वहीं यातूकुम, और अगर वो तुम्हारे पास आए उसारा कैदी बनकर, तुफादूहुम, अब इनकी जजा, तो तुम क्या करते हो, तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो। वहुआ मुहर्रमुन, वाव यहाँ पर हालिया है, अब अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं ये तुम्हारा अमल था, हालांकि हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम्हारे ऊपर इखराजुहुम उनका निकालना हराम कर दिया गया था। हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि अलैकुम तुम्हारे ऊपर इखराजुहुम उनका निकालना मुहर्रमुन हराम कर दिया गया था। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये इस्तेफाम है और ये इस्तेफाम तौबीख के लिए है, डांटा जा रहा है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम लोग बिबाज़िल किताब, किताब के बाज़ हिस्से पर यानी कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो, मानते हो, तस्दीक करते हो। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम तौरात के, अब किताब यहाँ पर अलिफ्लाम अहदे, अलिफ्लाम यहाँ पर अहदे खारजी है और अहदे खारजी का मतलब ये है कि खारिज में उसका वजूद है और वजूद है तो उसका मुताई, उसका जो माहूद है वो मुतायन है और यहाँ से किताब से मुराद यहाँ पर तौरात है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी, तो तुम किताब यानी तौरात के कुछ हिस्से पर तू मिनून ईमान रखते हो। व तकफुरून बिबाज़, और बाज़ किताब का इनकार कर देते हो यानी किताब के बाज़ अहकाम पर अमल करते हो और बाज़ को छोड़ देते हो, जैसे कत्ल नफ्स और इखराज मिन दियार, ये दो हुक्म थे, इसको तो तुमने छोड़ दिया और खाली फिदिया देकर उसको छुड़ा लेना इस पर अमल किया। तो तुमिनून बिबाज़िल किताब और तकफुरून बिबाज़, के बाज़ पर ईमान रखते हो, बाज़ हिस्से पर ईमान रखते हो और बाज़ का इनकार करते हो। अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तुम में से ऐसा करेगा उसकी एक ही सज़ा है, खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई होगी। कल भी बात आई थी कि इल्ला जब आता है और उससे पहले नफ़ी का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर ताकीद और हसर का तर्जुमा होगा, तो तर्जुमा यही होगा जो शख्स तुम में से ऐसा करेगा तो उसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई है। फमा जज़ाऊ नहीं है बदला मन उस शख्स का, यह फ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो तुम में से ये काम करे, इल्ला सिवाय खिज़्युन, सिवाय रुसवाई के, फिल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। फमा जज़ाऊ नहीं है उस शख्स का बदला, जज़ाऊ मन मुज़ाफ़िले, उस शख्स का बदला नहीं है, यह फ़अलु इसमें मौसूल, जो यह फ़अलु मिनकुम ज़ालिका, जो ये काम, ज़ालिका से मुराद यहाँ पर अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, के बाज़ किताब पर ईमान रखते हैं और बाज़ किताब पर इनकार कर देते हैं, तो इस चीज़ को जो भी करेगा उसके लिए नहीं है कोई बदला, इल्ला मगर खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, मगर दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई। तो इसका हसर का तर्जुमा आप सीधा कर सकते हैं कि तुम में से जो भी ऐसा करेगा उसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई है, शर्मिंदगी है कि उनके सामने, दुनिया के सामने उनके हालात को अल्लाह तबारक ताला बयान कर देगा, जिसकी वजह से ये उनकी शर्मिंदगी का बाइस बनेगा और ये मुस्तकिल एक अज़ाब है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो दुनियावी ज़िंदगी का अज़ाब है। वयौमुल क़ियामती, और क़ियामत के रोज़, क़ियामत के दिन, वयौमुल क़ियामती, ये मफ़ूल ज़र्फ़ है, युरद्दून आगे जो फ़ेल आ रहा है उसका, वयौमुल क़ियामती, और क़ियामत के रोज़, युरद्दूना, वो सब के सब लौटाए जाएंगे, वो सब के सब भेजे जाएंगे, कहाँ भेजे जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त तरीन अज़ाब के तरफ, सख्त तरीन अज़ाब में उनको लौटाया जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था अल अज़ाबुश शदीद, लेकिन कभी कभी सिफत को इज़ाफ़तुस सिफत इलल मौसूफ़ कर दिया जाता है उस सिफत की अहमियत बतलाने के लिए या उस सिफत की हौलनाकी बयान करने के लिए, तो यहाँ पर इला अज़ाबिश शदीद, सख्त तरीन अज़ाब
ये मौसू सिफत का तर्जुमा कर सकते हैं, मौसू सिफत का तर्जुमा हो रहा है लेकिन तरकीब आप देख रहे हैं मुजाफ मुजाफिले की है, तो ये तब होता है कि जब सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ कर दी जाती है, तो इजाफत सिफत इलल मौसूफ। ऐसा करते क्यों हैं, ये इसलिए तब करते हैं जब सिफत की अहमियत उसकी हौलनाकी और उसका बड़ापन बताना मकसूद हो, तो वहाँ पर अशद्दिल अज़ा उसको सिफत को पहले लाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लाया गया। तर्जुमा हम कर रहे हैं युरदून, वो सब के सब लौटाए जाएंगे इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त तरीन अज़ाब की तरफ। और सख्त तरीन अज़ाब दुनिया में जो अज़ाब खिज़ुन का था उससे ज़्यादा सख्त, क्योंकि अशद्दु इसमें तफ़ील है और इसमें तफ़ील में मफ़ज़ूल अलैह होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा कोई चीज़ हो। तो यहाँ पर दुनियावी ज़िंदगी का जो खिज़ुन था, दुनियावी ज़िंदगी में जो रुसवाई का अज़ाब था उससे ज़्यादा सख्त क़्यामत के दिन के अज़ाब की तरफ इशारा है। वयौमल क़्यामती, और क़्यामत के रोज़ युरद्दूना, वो सब के सब लौटाए जाएंगे इला अशद्दिल अज़ाबी, सख्त अज़ाब की तरफ या सख्त अज़ाब में लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह ताला अब यहाँ पर डराते हुए बतला रहा है, वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है किससे, अन मा, माँ को आम है, माँ आम चीज़ों के लिए आता है, उन तमाम चीज़ों के लिए आता है, अन माँ उन तमाम चीज़ों से गाफिल नहीं है, तामलून जो तुम अमल कर रहे हो, जो भी तुम काम करोगे या जो भी तुम काम करते हो, अल्लाह ताला उनसे बेखबर नहीं है।